कुरान वाणी साहिब है तो मुफ्ती मोहम्मद क्या है? कुरान वाणी साहिब है तो मुफ्ती मोहम्मद क्या है? कुरान वाणी साहिब है तो मुफ्ती मोहम्मद क्या है? कुरान वाणी साहिब है तो मुफ्ती मोहम्मद क्या है? कुरान वाणी साहिब है तो मुफ्ती मोहम्मद क्या है? कुरान वाणी साहिब है तो मुफ्ती मोहम्मद क्या है? कुरान वाणी साहिब है तो मुफ्ती मोहम्मद क्या है? कुरान वाणी साहिब है तो मुफ्ती मोहम्मद क्या है? कुरान वाणी साहिब है तो मुफ्ती मोहम्मद क्या है? हमारी ही खबर थी जिसके अंदर उमर अब्दुल्ला ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बुरहान वानी को साहब कहा। ये बीबीसी के अंदर इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद आप ये देख सकते हैं लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए अशोक गुप्ता जी हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और आप जानते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो होता है वो यूनिफाइड हाई कमांड का चीफ भी रहता है, अगर उनकी तरफ से ये बयान आता है कि आतंकवादी बुरहान वानी साहब है तो फिर बाकी लोग क्या हैं। अशोक जी, उमर अब्दुल्ला का बयान आपने भी सुना होगा, मेरी ये खबर थी जिसके अंदर हमने ये बताया कि उमर अब्दुल्ला ने आतंकी को साहब कहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अफजल गुरु को भी असेंबली के अंदर साहब कहा गया था। अगर बुरहान वानी साहिब है, शेख अब्दुल्ला क्या है? मुफ्ती मोहम्मद सईद क्या है? कश्मीर के आइकान क्या हैं? अब बच्चों को ये पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि जो बुरहान वानी है वो हमारा साहिब है? हमारा साहिब सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारा साहिब आर्मी के जवान हैं, हमारा साहिब जो शहीद हो गए वो हैं, और जो उनको साहिब कहने का प्रयास करना चाहते हैं वो देश के साथ द्रोह करने की बातें कर रहे हैं। यूनाइटेड हाई कमांड के विषय के अंदर आर्मी का और इस तरह के शब्दों का इंचार्ज करना, और मुख्यमंत्री भूतपूर्व होकर के महबूबा मुफ्ती ने भी इस तरह के शब्दों का उच्चारण करा है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। हमारे आइकान, हमारा साहिब देश का प्रधानमंत्री है, हमारे आइकान शहीद हैं, हमारे आइकान सुरक्षा बल है जो वहाँ पर इतनी गर्मी के अंदर भी लड़ रहे हैं। इसलिए बुरहान वानी कभी हमारा साहिब ना था ना है, और जो उसको कहेगा वो भी बुरहान वानी की तरह ही बिहेव करने का प्रयास करना चाहता है। अब इनको सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कातिल हैं बुरहान वानी जैसे आतंकवादी, इनको कई लोग कश्मीरियत का जो है उनकी एग्जांपल देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा दो दिन पहले रोफ अहमद डार जिसने 5 टूरिस्टों को बचाया एक झील से, उनको क्या असली कश्मीरियत की पहचान वो नहीं है? क्या वो एग्जाम्पल नहीं है? वो मिस्टर डार जो है वो है साहब, और इनको सिक्योरिटी मिली हुई है, और ये बुरहान वानी को साहब कह रहे हैं, और दिल्ली वाले साहब कहने वाले की सिक्योरिटी वापस क्यों नहीं लेते? जो सिक्योरिटी वाले उनके लिए मर रहे हैं वो साहब नहीं है, जो इन नेताओं की सिक्योरिटी कर रहे हैं वो साहब नहीं है, और साहब कौन है? बुरहान वानी। ये कह करके हम वहाँ की जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या दर्शाने का प्रयास करना चाहते हैं, ये उनको इसके विषय में निर्णय करना होगा। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। अशोक गुप्ता हमारे साथ बात कर रहे थे, और आपने हमारी खबर देखी थी किस तरह से बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए उमर अब्दुल्ला ने साहब कहा था, वो आतंकवादी को साहब कहा था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी साहब है, ना कि ये आतंकवादी। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, और ये डर है इन पॉलिटिकल लीडर्स का, ये डर है आतंकवादियों से, तभी ये लोग साहब बोलते हैं। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।